नमस्कार, गुड मॉर्निंग आरडीएस स्टूडेंट्स। टुडे वी विल बी डिस्कस ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ बीकॉम पार्ट सेकंड ईयर स्टूडेंट्स। बीकॉम पार्ट सेकंड ईयर स्टूडेंट्स द बुक्स कॉस्ट अकाउंटिंग एबीएसटी पेपर सेकंड। टुडेज लेक्चर डिटरमाइनेशन ऑफ सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य का निर्धारण। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा करेंगे वो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि विक्रय मूल्य का निर्धारण करना एक महत्वपूर्ण कार्य है और इस कार्य को इकाई लागत निर्धारण विधि के अंतर्गत ज्ञात किया जाता है। तो हम इस टॉपिक के बारे में चर्चा शुरू करते हैं। विक्रय मूल्य का निर्धारण, कभी कभी उत्पादक को अपनी उत्पादन व विक्रय संबंधी भावी योजनाएं बनाते समय विक्रय मूल्य का अनुमान पहले से लगाना पड़ता है। देखिए कि कभी कभी उत्पादक जो प्रोडक्शन करता है उसको अपने प्रोडक्शन और विक्रय संबंधी भावी जो योजना है उनको बनाते समय विक्रय मूल्य का अनुमान पहले से लगाना पड़ता है। विक्रय मूल्य पूर्वानुमान, उत्पादन बजट तथा विक्रय बजट के लिए आवश्यक होता है। ये जो अनुमान लगाते हैं ये अनुमान विक्रय मूल्य पूर्वानुमान, उत्पादक बजट तथा विक्रय बजट के लिए आवश्यक होता है, क्योंकि उसी के आधार पर हम सामग्री का बजट निर्धारण करते हैं और जो बजटरी कंट्रोल कार्यक्रम होता है उसको भी इसी आधार पर तैयार किया जाता है। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है प्रति इकाई लागत निर्धारण में, क्योंकि इसमें हम कई प्रकार के जो हम बजट तैयार करते हैं उन बजट को तैयार करने में विक्रय मूल्य का अनुमान लगाने का जो कार्य है वो बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है, क्योंकि इसके कारण विक्रय मूल्य पूर्वानुमान, उत्पादन बजट और विक्रय बजट के लिए आवश्यक होता है। इसके साथ साथ इसी के आधार पर हम सामग्री का बजट निर्माण करते हैं और बजटरी कंट्रोल कार्यक्रम इसी के आधार पर तैयार किया जाता है। अतः मूल्य निर्धारण करने के गत वर्ष की उत्पादन लागत के जो विभिन्न तत्व हैं, जिसमें मटेरियल, लेबर और ओवरहेड एक्सपेंसेस में होने वाले भावी संभावित परिवर्तनों बाजार की दिशाओं तथा वर्तमान और भावी राजनीतिक और आर्थिक परिदृश्य को ध्यान में रखकर एक लागत पत्र तैयार किया जाता है। मूल्य का जो निर्धारण करते हैं उसमें कई चीज़ें फैक्टर करती हैं। इसमें गत वर्ष की जो सामग्री एलिमेंट ऑफ कॉस्ट है, जिसमें सामग्री है, श्रम है और अन्य खर्चे हैं, उनमें होने वाले परिवर्तनों को ध्यान में रखा जाता है। इसके साथ साथ बाजार की जो दशाएं होती हैं और वर्तमान और भावी जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं उनको ध्यान में रखा जाता है और उनके आधार पर ही ये सब कार्य संपादित किया जाता है। उन परिवर्तनों के साथ साथ बाजार की दशाएं तथा वर्तमान और भावी राजनीतिक आर्थिक परिस्थितियों को ध्यान में रखकर ये लागत का निर्धारण हम करते हैं। अगले वर्ष की सामग्री की कीमतें, श्रम की दरों तथा व्यय में होने वाले परिवर्तनों का गत वर्ष के संबंध में आवश्यक समायोजन करके प्रति इकाई परमाप लागत मूल्य का निर्धारण किया जाता है। इसमें जो अगले वर्ष है उसमें कीमतों में क्या बढ़ोतरी होगी, श्रम की जो दरें हैं उसमें क्या परिवर्तन होगा और जो एक्सपेंसेज है उसमें क्या परिवर्तन होगा, उन सबको
गत वर्ष में के संबंध में आवश्यक मार्जिन करके हम प्रति इकाई परमाप लागत मूल्य का निर्धारण करते हैं। इसमें लागत या विक्रय मूल्य पर एक निश्चित प्रतिशत लाभ जोड़कर विक्रय का अनुमान, विक्रय मूल्य का अनुमान, सेलिंग प्राइस का अनुमान हम लगाते हैं। इस विक्रय मूल्य के आधार पर ही वस्तु का उत्पादन लक्ष्य निर्धारण किया जाता है। इस विक्रय मूल्य के आधार पर हम क्या करते हैं, जो हमारा उत्पादन का जो लक्ष्य होता है, प्रोडक्शन का जो प्लान होता है, उसको हम इसके आधार पर ही तैयार करते हैं। और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्लान होता है, क्योंकि इसी के आधार पर कंपनी का जो प्रॉफिट है वो कितना हमें चाहिए वो डिसाइड होता है। तो विक्रय मूल्य का निर्धारण करने के लिए लागत के साथ साथ विक्रय का एक निश्चित प्रतिशत लाभ के रूप में जोड़कर उसका विक्रय मूल्य का निर्धारण किया जाता है, और उसी के आधार पर हम उत्पादन लक्ष्य का निर्धारण करते हैं। अब देखिए कि एक जो कार्य है वो है कि गत वर्ष के साथ साथ हमें आगामी जो वर्ष है उसका भी ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि गत वर्ष की कीमतें थी उसमें कितना परिवर्तन होने वाला है, और श्रम की जो दरें हैं उसमें कितना परिवर्तन होने वाला है, इसके साथ साथ उनका समायोजन भी हमें प्रति इकाई लागत के हिसाब से करना है, और उसके आधार पर हमें विक्रय मूल्य का निर्धारण करना है। और ये विक्रय मूल्य निर्धारण करने के साथ करने के बाद हम सभी प्रकार की लागतों का जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद एक विक्रय मूल्य में लाभ हमें कितना चाहिए वो प्रतिशत हम उसमें अनुमान के आधार पर जोड़ के ये कार्य संपादित करते हैं। अब मैं आपको एक उदाहरण के माध्यम से बताने का प्रयास करता हूँ। जैसे पिछली जो हमने प्रोडक्शन किया था उसमें सामग्री 160,000 रुपये थी। अब सामग्री के मूल्य में 20% वृद्धि होने की संभावना है, तो इसका मीनिंग क्या है कि जो 160,000 है वो मूल्य 20% से बढ़ जाएगा। सामग्री के साथ साथ वेजेज, विक्रय मूल्य निर्धारण करने में सामग्री में श्रम लागत का भी महत्वपूर्ण भाग होता है। जैसे विक्रय मूल्य के निर्धारण के लिए वेजेज थी पिछले वर्ष 240,000 और दरों में 10% वृद्धि संभावित है, तो विक्रय मूल्य की जो दर है उसमें हमें 10% वृद्धि करनी है, 240,000 में 10% वृद्धि करनी है। और निर्माणी व्यय में सामग्री और श्रम मूल्य के मिश्रित मूल्य के अनुपात में वृद्धि होगी। तो इसको समझना जरूरी है कि निर्माणी जो व्यय है, मैन्युफैक्चरिंग जो एक्सपेंसेस बोलते हैं, उसमें वृद्धि हमें सामग्री और श्रम के मूल्य के मिश्रित वृद्धि, मिश्रित वृद्धि मतलब क्या हुआ, मटेरियल कॉस्ट और लेबर कॉस्ट को ऐड कर देंगे तो मिश्रित कॉस्ट आ जाएगी। उसके आधार पर हम देखेंगे पिछले वर्ष हमारा प्राइम कॉस्ट कितनी थी, वो तो कितना मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस थे, और अब कितने हो जाएंगे जो हमने अभी ज्ञात किए हैं उसके आधार पर हम ज्ञात करेंगे। तो इस प्रकार से हम जो चेंजेज होते हैं उन चेंजेज को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ते जाएंगे। चेंजेज को ध्यान में रखना बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि जो मूल्य होता है उसमें परिवर्तन संभावी होता है, परिवर्तन होता रहता है। इसके साथ साथ हमें राजनीतिक और आर्थिक जो हमारे परिदृश्य है उसको भी ध्यान में रखेंगे तो हमारा जो अनुमान है वो बेहतर स्थिति में पहुंचेगा। और इसके साथ साथ लाभ का अनुपात भी हमें एक निश्चित करना चाहिए जो हमारे लिए उपयुक्त हो। इस प्रकार से हम विक्रय मूल्य का निर्धारण आसानी से कर सकते हैं। आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।